तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले लिख दिए ना एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन, तो यहाँ क्या देखते हैं कि एक्स के साथ माइनस टू है और यदि हमें माइनस टू को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, न प्लस दो जोड़ना होगा। इसलिए क्या करते हैं, न दोनों साइड में यानी कि एल एच एस और आर एच एस दोनों तरफ दो जोड़ते हैं। तो देखिए एल एच एस में भी दो जोड़ चुके हैं और आर एच एस में भी दो जोड़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए ये दो और ये दो जो प्लस माइनस में हैं एक दूसरे को कैंसिल हो गया, कट गया। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, एल एच एस में सिर्फ बचेगा एक्स। यदि आर एच एस की बात करें तो सेवन और टू जुड़ के कितना हो गया, नाइन हो गया। तो कह सकते हैं इस प्रश्न में एक्स की वैल्यू कितनी आई, नाइन। देखिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग वाई प्लस थ्री इक्वल टू टेन। तो फिर से क्वेश्चन को लिख दिए हम लोगों ने वाई प्लस थ्री इक्वल टू टेन। तो यहाँ क्या देखते हैं, वाई के साथ थ्री जो है वो प्लस में है और यदि हमें थ्री को हटाना है तो क्या करना होगा, न तीन घटाना होगा यानी कि थ्री घटाना होगा। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थ्री ताकि थ्री हट जाए। तो देखिए यहाँ पर थ्री सब्ट्रैक्ट किए एल एच एस में तो आर एच एस में भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए थ्री थ्री कट गया तो यहाँ क्या बचा एल एच एस में, सिर्फ बचा वाई। और यदि आर एच एस की बात करें तो आर एच एस में क्या बचता है, न टेन में थ्री घट गया तो कितना हो गया, न सेवन। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो दिए गए क्वेश्चन में वाई की वैल्यू कितनी आती है, सेवन। अब क्वेश्चन थ्री पर बात करते हैं, तो देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सिक्स इक्वल टू जेड प्लस टू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए फिर से लिखते हैं क्वेश्चन को, न सिक्स इक्वल टू जेड प्लस टू। यहाँ क्या देखते हैं, जेड के साथ टू जो है वो प्लस में है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना होगा टू। तो देखिए दोनों तरफ टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए एल एच एस में भी देखिए दो को सब्ट्रैक्ट किए और आर एच एस में भी देखिए दो सब्ट्रैक्ट किए। तो यहाँ टू टू कट गया तो क्या बचा, सिर्फ सिर्फ जेड बचा। यहाँ पर सिक्स में टू घट गया तो कितना बचा, न फोर। तो कह सकते हैं यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, न फोर। अब क्वेश्चन फोर को देखते हैं, तो देखिए सॉल्व द फॉलोइंग थ्री बाय सेवन प्लस एक्स इक्वल टू सेवनटीन बाय सेवन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे, थ्री बाय सेवन प्लस एक्स इक्वल टू सेवनटीन बाय सेवन। तो यह इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं ना, एक्स के साथ थ्री बाय सेवन देखिए जुड़ा हुआ है और यदि थ्री बाय सेवन को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, न दोनों तरफ थ्री बाय सेवन सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसलिए सब्ट्रैक्टिंग थ्री बाय सेवन बोथ साइड्स। तो देखिए पहले एल एच एस की बात करते हैं, तो एल एच एस में कितना है, थ्री बाय सेवन प्लस एक्स। देखिए इसको हम लोग एक्स को पहले और नंबर को बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए एक्स का एक्स और थ्री प्लस सेवन, थ्री बाय सेवन देखिए यहाँ पर लिखे हैं और चूंकि यहाँ पर क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थ्री बाय सेवन, तो देखिए यहाँ पर लिख दिए माइनस थ्री बाय सेवन। इधर देखिए आर एच एस में तो यहाँ देखिए सेवनटीन बाय सेवन जो मेरा पहले से था और सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं थ्री बाय सेवन जो यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों कट गया तो एल एच एस में सिर्फ क्या बचा, ना एक्स। उसके बाद देखिए इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, नीचे सबसे पहले एलसीएम लिए और उसकी वैल्यू फाइंड किए तो कितना आया, 14/7। तो ये देखिए सेवन के टेबल में कट गया टू बार में तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है, न टू आती है। अब क्वेश्चन फाइव को देखते हैं, ने क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिक्स एक्स इक्वल टू ट्वेल्व। क्या दिया हुआ है ना, सिक्स एक्स इक्वल टू ट्वेल्व। तो फिर से क्वेश्चन को लिख लिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या देखते हैं, सिक्स जो है एक्स के साथ मल्टीपल में है
इसका मतलब 6 को हटाने के लिए क्या करना होगा, न दोनों तरफ हमें 6 से डिवाइड करना होगा। इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, कितना से, न 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 6x/6 डिवाइड कर रहे हैं 12/6, तो यहाँ देखिए 6 और 6 कट गया, तो कितना बचा यहाँ LHS में, x बचा, और यहाँ पर देखिए 6 का टेबल में 12 कट गया दो बार में, तो यहाँ पर कितना हुआ 2। तो कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, न 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, तो देखिए 6 में क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग t/5 = 10। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे t/5 = 10। यहाँ क्या देख रहे हैं, 5 जो है डिवाइड के रूप में है, मतलब t/5 है, तो अगर 5 को यहाँ से हटाना है तो क्या करना होगा, तो बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। तो देखिए इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिए LHS में, और RHS में भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 5 और 5 कट गए, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ t बचा, और इधर मल्टीप्लाई हो गए 50। तो कह सकते हैं यहाँ पर t का वैल्यू कितना है, न 50। अब देखिए क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व द फॉलोइंग 2x/3 = 18। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं 2x/3 = 18। तो यहाँ क्या देखते हैं कि 3 जो है यहाँ पर देखिए नीचे डिवाइड में है, तो इसे सबसे पहले हटाना होगा, तो हमें बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो देखिए LHS में भी हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिए, और RHS में भी 3 मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ देखिए 3 और ये 3 कैंसिल हो गई, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई होके 54। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2 जो है x के साथ मल्टीपल में है, और यदि 2 को हटाना होगा तो हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, न 2 से डिवाइड करना होगा, इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड, देखिए दोनों तो डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 मल्टीपल है, तो देखिए 2 से डिवाइड किए LHS में भी और RHS में भी, तो क्या पाते हैं न, देखिए यहाँ ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर, सिर्फ x बचा, और यहाँ पर 2 से डिवाइड हो गया 54, तो कितना बार में, न 27। तो कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, न 27। अब क्वेश्चन 8 को देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग 1.6 = y/1.5। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे, 1.6 = y/1.5। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, y को डिवाइड कर रहा है 1.5, और 1.5 यदि हमें हटाना है तो हमें बोथ साइड 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1.5। तो देख सकते हैं कि LHS में भी देखिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और RHS में भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो क्या पाते हैं ना, देखिए ये दोनों ये कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर y बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो रिजल्ट कितना आया ना, 2.40। तो कह सकते हैं y की वैल्यू कितनी है तब, 2.40। अब क्वेश्चन 9 को देखते हैं, तो देखिए सॉल्व द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 7x-9 = 16। तो यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे 7x-9 = 16। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए 7x के साथ 9 जो है वो माइनस में, यहाँ देखिए यानी कि सब्ट्रैक्शन में है, तो सबसे पहले -9 को हटाने के लिए क्या करना होगा, न दोनों तरफ 9 जोड़ना होगा, इसलिए
एडिंग 9 बोथ साइड्स। तो देखिए LHS में भी हमने 9 जोड़ दिए हैं और RHS में भी। तो सबसे पहले 9 और 9 कैंसिल हो गई, कट गई, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 7x। और यहाँ दोनों जुड़ गया, 16 प्लस 9 कितना हो गया ना, 25। उसके बाद क्या देखते हैं कि x के साथ जो 7 जो है वो मल्टीपल में है, इसलिए क्या करना होगा, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ 7 से डिवाइड करना होगा, इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। तो देखिए क्या पाते हैं ना, 7x को देखिए यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दिए LHS में, और RHS में देखिए 25 को 7 से डिवाइड कर दिए, तो देखिए 7 और 7 कट गया, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पर x और यहाँ पर 25/7। तो कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी है, 25/7। अब क्वेश्चन 10 को देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग 14y-8 इक्वल टू 13। तो फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे 14y-8 इक्वल टू 13। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 14y के साथ 8 जो है वो घटाव के रूप में है, यानी सब्ट्रैक्शन के रूप में है, तो -8 को हटाने के लिए क्या करना होगा ना, दोनों तरफ 8 जोड़ना होगा, इसलिए एडिंग 8 बोथ साइड। तो देखिए क्या बात है, LHS में भी देखिए 8 जोड़ दिए हैं और RHS में भी 8 जोड़ दिए, तो ये 8 और 8 कट गया, कितना बचा यहाँ 14y, और इधर दोनों जुड़ के क्या हो गया ने 21। अब क्या देखते हैं कि y के साथ जो 14 जो है वो मल्टीपल में है, तो 14 को हटाने के लिए क्या करना होगा ना, दोनों तरफ 14 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए LHS में भी हमने 14 से डिवाइड किए और RHS में भी 14 से डिवाइड किए, तो ये 14 और ये 14 कट गया, और यहाँ पर देखिए 7 से कट रहा है, तो 7 का टेबल में देखिए ऊपर में 3 बार में और नीचे 2 बार में, तो कह सकते हैं यहाँ पर तब y की वैल्यू कितनी हुई ना, 3/2। अब देखिए क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है ना, सॉल्व द फॉलोइंग 17+6p इक्वल टू 9। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, तो 17+6p इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या देख रहे हैं ना, 6p के साथ 17 देखिए प्लस के में है, तो सबसे पहले 17 को हटाने के लिए क्या करना होगा ना, दोनों तरफ 17 सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसे क्या कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्टिंग 17 बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पर LHS में भी हमने देखिए 17 घटा रहे हैं और RHS में भी देखिए 17 घटा रहे हैं, यहाँ गौर करना है कि देखिए 6p को हमने पहले लिखे हैं, तो देखिए प्लस में हम लोग लिख सकते हैं, तो देखिए 6p को आगे लिखें फिर 17 लिखें, ये मेरा क्वेश्चन में था, अब चूँकि सब्ट्रैक्टिंग कर रहे थे इसलिए -17 यहाँ दिए, तो अब देखिए 17 और 17 कट गया, कितना बचा यहाँ पर 6p हुआ, और यहाँ पर कितना आया ना, -8। अब क्या देखते हैं कि देखिए p के साथ 6 जो है वो मल्टीपल के रूप में है, तो 6 को हटाने के लिए क्या करना होगा ना, दोनों तरफ 6 से डिवाइड करना होगा, इसलिए दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, देखिए 6 से डिवाइड कर रहे हैं LHS में भी और RHS में भी, देखिए 6 और 6 कट गया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ p हुआ, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर में कितना हुआ ना, -4 और नीचे कितना हुआ ना, 3, तो कह सकते हैं यहाँ पर p की वैल्यू -4/3। अब क्वेश्चन 12 को देखते हैं, तो देखिए 12 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग x/3+1=7/15। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे, x/3+1 जो LHS में है और इधर 7/15, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि x/3 के साथ 1 जो है वो प्लस के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 जो है जुड़ा हुआ है, तो 1 को सबसे पहले हटाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसलिए सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड।
तो देखिए LHS में भी वन सब्ट्रैक्ट किए और RHS में भी वन सब्ट्रैक्ट किए, तो ये वन और ये वन कट गया, तो कितना बचा यहाँ पर एक्स बाय थ्री। उसके बाद देखिए 7/15 -1, और इसका सबसे पहले हम लोग क्या किए LCM लिए और सॉल्व किए, तो कितना आया -8/15। अब क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए एक्स बाय थ्री है, यानी कि थ्री जो है वो डिवाइड में है, तो सबसे पहले यहाँ पर थ्री को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे दोनों तरफ थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए LHS में भी थ्री से मल्टीप्लाई किए और RHS में थ्री से मल्टीप्लाई किए, तो देखिए ये थ्री और ये थ्री कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ पर देखिए थ्री का टेबल में 15 को काट दिए, कितने बार में 5 बार में कट गया, तो कितना आया इधर -8/5। तो कह सकते हैं x का वैल्यू कितना है -8/5।